दोस्तों क्या आपके भी GTA 5 गेम में ये एरर आ रहा है, स्क्रिप्ट हुक भी क्रिटिकल एरर, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो? आपको बहुत इजी सा मेथड बताऊंगा। आपको जस्ट एक फाइल को अपनी GTA 5 से रिमूव करना है एंड आपका जो गेम है वो स्मूथली चलने लगेगा। बस जो आपके मोड्स होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। मोड्स आपके जब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक की लेटेस्ट स्क्रिप्ट हुक भी नहीं आ जाती है, मतलब की 1.0.3179 वर्जन की स्क्रिप्ट हुक भी नहीं आ जाती तब तक आपके मोड्स वर्क नहीं करेंगे। उसको फिक्स कैसे करना है अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गेम की मेन डायरेक्टरी में चले जाना है। तो मैं अभी जाता हूँ अपनी मेन डायरेक्टरी में, मेरी स्टीम लाइब्रेरी एंड उसके बाद स्टीम एप्स कॉमन गैंटी फोटो 5 देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी डिनपुट 8। आपकी ये जो फाइल है आपको जस्ट इसको यहाँ से हटा देना है। आपको इस वाली फाइल को हटाने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है एंड आप जैसे अपने गेम को रन करोगे तो आपका गेम चलने लगेगा। अभी मैं आपको अपने गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ। गाइस अभी आप जैसे कि देख सकते हो अभी जो हमारा गेम है वो स्टार्ट हो चुका है एंड अभी ये थोड़ा लोडिंग लेगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी आप जैसे कि देख सकती हो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है एंड अभी हम आ चुके हैं अपने फ्रैंकलिन भैया के पुराने घर पे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि बिना मोड्स के देखो गेम कितनी डल लग रही है। जो मोड्स होते हैं गेम की जो ग्राफिक्स होती है उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। जब तक लेटेस्ट स्क्रिप्ट हुक भी नहीं आ जाता है तब तक आप ऐसे ही अपने गेम को खेल पाओगे। बस जस्ट आज की वीडियो में इतना ही एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना,